और भाई देखिए देखिए भाई चलते ट्रेन में कैसे लोग चल रहे हैं। ट्रेन में सीट ना मिले तो भाई वो भाई से आप मिलिए, वो आपको जुगाड़ बताएंगे बिहार। दोस्तों भाई अभी हमारी विक्रमशिला यमुना नदी को क्रॉस कर रही है। दोस्तों देखो दोस्तों कैसे जन्मे लोग यहाँ पे जनरल कोच में यात्रा करते हैं। भाई चढ़ने के लिए यहाँ पे बेताब हो रहे लोग देख सकते। हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ मेरे एक और नए ट्रेन जर्नी में। तो दोस्तों आज की हमारी जर्नी होने वाली दोस्तों ट्रेन नंबर 1 2 3 6 8 यानी कि विक्रमशिला एक्सप्रेस, जो कि हमारी देश की राजधानी भाई नई दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल से रोजाना भाई दोपहर 1:15 पर खुलती है और अगले दिन सुबह 8:15 पर भागलपुर को पहुँचाती है। ये ट्रेन दोस्तों टोटल 1001 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है और टोटल 21 हॉल्ट के साथ। तो दोस्तों फिलहाल आपका स्वागत करता हूँ कानपुर सेंट्रल से। दोस्तों फिलहाल मैं अभी कानपुर सेंट्रल स्टेशन पे हूँ दोस्तों, और यहाँ पे हमारी विक्रमशिला एक्सप्रेस भाई आधा घंटा से लेट हो गई है, जो कि प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे आने वाली है। तो चलिए दोस्तों आपको लेकर चलता हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे और देखते हैं कैसा है स्थिति, क्या है, भीड़ भाड़ है या नहीं। तो चलते हैं दोस्तों। तो मैं आ चुका हूँ भाई कानपुर सेंट्रल के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे और भाई देख रहे हो यहाँ भाई भीड़ देखो। ये जितनी भी आपको भाई भीड़ दिख रही है वो दोस्तों विक्रमशिला में यही भीड़ जाने वाली है। और वहाँ पे देख सकते हो 4 नंबर से हमारी महाबोधि एक्सप्रेस, जो कि रोजाना गया से दिल्ली के लिए जाती है, और ये दिल्ली से गया के लिए जा रही भाई डाउन एक्सप्रेस। तो देख सकते हो भाई कितनी ज़्यादा आज भीड़ है विक्रमशिला एक्सप्रेस में, सारी ठूसेगी आज। तो भाई अपना जर्नल में ऐसी रात भर का जर्नी होगा भाई, देखते हैं कैसा क्या रहता है। जब लोग सीट के लिए ढावा बोलेंगे सीट पर, तब आपको देखिएगा भाई कैसा क्या हाल होता है। स्लीपर जनरल सब एक ही बन जाएगा यहाँ पर। तो फिलहाल अपनी विक्रमशिला आने वाली है भाई, आउटर पे अभी रुकी है, कुछ देर में आने वाली है तो आपको मैं दिखाऊंगा। अगर चैनल पर नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दें और बाकी लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। भाई आ रही है अपने भाई विक्रमशिला एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे कानपुर सेंट्रल के, और भाई भीड़ देख रहे हो दोनों भाई साइड में काफ़ी लंबा भीड़ है यहाँ पर, और सारे लोग दोस्तों इसी ट्रेन में चढ़ेंगे। और ये अपनी आ गई भाई वेब 7 के साथ विक्रमशिला एक्सप्रेस गाजियाबाद। दोस्तों देख सकते हो वेब 7 विक्रमशिला एक्सप्रेस भाई भागलपुर से आनंद विहार को जाती है रोजाना भाई, काफ़ी डिमांडेबल ट्रेन है ये भी। और इसका एसी कोच दोस्तों आगे में है, एसी कोच आगे में दोस्तों। बाकी अपने यहाँ देख सकते हो स्लीपर कोच भी आ गई है S9, और जनरल कोच आपको पीछे देखने को भी लगा भाई विक्रम। और भाई देखिए देखिए भाई चलते ट्रेन में कैसे लोग चल रहे हैं। अब आराम से आराम से देखिए देखिए भाई देखिए खलबली यहाँ पे मचने लगी है, देखिए आराम से आराम से भाई देखो 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 कैसे लोग चल रहे हैं चलती ट्रेन में। अब भाई जनरल कोच आ गई है हमारी, देखिए देखिए भाई 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 देखियो यहाँ मार हो गया भाई सीट को लेकर। देखो दोस्तों कैसे जन्मे लोग यहाँ पे जनरल कोच में यात्रा करते हैं भाई, चढ़ने के लिए यहाँ पे बेताब हो रहे लोग देख सकते हो। भाई अभी आपको पीछे लेकर चलते हैं, यहाँ पे भी भाई जनरल कोच पूरा आज पैक होने वाला है भाई। आगे पीछे तो भीड़ नहीं है भाई, बाकी जनरल कोच भाई पीछे खाली है, बाकी गेट पे उधर आपको मैंने भीड़ दिखाया और इधर भी यहाँ पे भी लोग देख सकते हो। राम से राम से राम से दोस्तों ट्रेन अपने समय से भाई 1.5 घंटा लेट पहुंची यहाँ कानपुर सेंट्रल पे आना। पहले तो इसे प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे अनाउंस किया गया, फिर इसे 4 पे शिफ्ट कर दिया गया, और बाकी भाई देख सकते हो। और यहाँ पे हमारा प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे देख सकते हो कटिहार अमृतसर एक्सप्रेस लगी हुई है, अम्रपाली एक्सप्रेस दोस्तों। और कहाँ जा रहे हो आप लोग, कहाँ जा रहे हो? झांसी। तो ये लोग भाई झांसी जा रहे हैं, तो भाई ये तो बिहार वाली ट्रेन है। तो देखिए आज का जर्नी कैसा होता है दोस्तों, पूरा जर्नल आज पैक होगा, स्लीपर भी पैक हो गया,
और भाई देखते हैं आज शायद ही आज गेट पे जर्नी होगी हमारी, तो भाई वीडियो में बने रहिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और बाकी देख रहे हो गेट का हाल यहाँ पे कैसा है, और ये वाला गेट भी दोस्तों पैकिंग हो गया है। अंदर तो फिलहाल आपको उतना ज़्यादा रस नहीं है, अंदर रस नहीं मिलेगा आपको, लेकिन यहाँ पे। और भाई यहाँ खुल चुके हैं अपने कटिहार अमृतसर भाई अमरपाली एक्सप्रेस, देख सकते हो प्लेटफॉर्म नंबर 6 से, और हमारी भाई विक्रमशिला एक्सप्रेस 4 पे लगी हुई है दोस्तों। और सारा गेट यहाँ पे पैक हो चुका है भाई, ये सामने तो पैक ही है और उधर भी भाई पैक है, और इधर भी दोस्तों पैकिंग हो गया है। अब कैसे भी ट्रेन के अंदर भाई जाना है, बस ट्रेन कुछ ही देर में खुलने वाली है यहाँ से। बाकी दोस्तों अपनी विक्रमशिला एक्सप्रेस भाई डिपार्ट कर रही है कानपुर सेंट्रल से, और वो भी दोस्तों 2 घंटे लेट से चल रही है, और भाई गेट पूरा फुल है दोस्तों, देख रहे हो यहाँ पे दोस्तों। देखिए कैसी होती है भाई रात में जनरल की भाई यात्रा, यहाँ पे देख सकते हो पैर रखने तक भी भाई यहाँ पे जगह नहीं है, और लोग देख सकते हो कैसे यहाँ पे बैठ रहे हैं। सारे लोग बिहार जाएंगे है ना भैया, सारे लोग कहाँ जाएंगे आप, सब बिहार जाएंगे, सारे जो यात्री है भाई बिहार में ही जाएंगे, यूपी में गाड़ी अभी लोग उतरेंगे नहीं यूपी में भाई, अभी कानपुर से गाड़ी खुली है और 20 से आधा घंटा और आएगा अभी। और देख भाई दो मेरे भाई यहाँ पे गेट पे बैठे हैं, और भाई ठंडी ठंडी हवाएं आ रही है, ठंड लग रही है, और जैसे जैसे रात बीतेगी तो भाई ठंड और लगेगी। और बाकी देख सकते हो 2-3 लोग बाथरूम में भी जाके बैठे हुए, इतना ज़्यादा भीड़ है। और बाकी सामान देखिए दोस्तों कहाँ पर लोग टांगे हैं। और एक बात और भाई, इस जनरल कोच में भाई ऊपर में बैठने के लिए भाई नहीं है, नहीं तो कुछ भीड़ वहाँ पे भी जाके बैठ जाता। और बाकी देख सकते हो भाई लोग बैठ के जा रहे हैं यहाँ पे, और ये दोस्त भी जा रहा है, कहाँ जा रहा है दोस्त, आरा जाएगा, और ये कहाँ जाएंगे भाई आप, सब आरा जाएंगे। तो देख सकते लोग कितना परेशानियाँ झेलना पड़ता है ना, तो कुछ सरकार को सोचना चाहिए बिहार से दिल्ली के लिए, जितनी ज़्यादा ट्रेन हो मैं गवर्नमेंट से कहूँगा कि आप चलाइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ होती है पटना से लेके दिल्ली वाली ट्रेन में भाई। तो चलिए जर्नी में बने रहिए, और भाई चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आपको लेके चलता हूँ भाई, अभी प्रयागराज में आपको दिखाऊँगा क्या स्थिति रहेगा वहाँ पर, तो ब्लॉग में बने रहिएगा। और दोस्तों अंदर देखो दोस्तों कितना ज़्यादा भीड़ है भाई, आपको जगह नहीं दिख रहा होगा, लोग खड़े जा रहे हैं भाई, बिहार तक लोग खड़ा ही जाएंगे भागलपुर तक, देख सकते हो क्या कंडीशन भाई जनरल कोच का। लेडीज लोग भाई काफ़ी परेशानियां झेलना पड़ता है, और केवल आपको यहां पे सामान ही सामान दिखेंगे, देख रहे हो ना यहां पे भी दोस्तों, और बाकी देख रहे हो ऊपर पूरा सामान भरा है, और ट्रेन फुल स्पीड में भाई चल रही है अभी। और भाई देख रहे हो लोग कि भाई यहाँ बाथरूम जाने में कितनी परेशानियाँ झेलनी पड़ रही है। ए अंकल जी के भाई साइड तो जोर लग गया है, जाइए जाइए। और बाकी भाई देख रहे हो लोग यहाँ पे पीछे बैठ के मस्ती कर रहे हैं। ट्रेन में सीट ना मिले तो भाई वो भाई से आप मिलिए, वो आपको जुगाड़ बताएंगे, बिहारी जुगाड़। देखिए कहाँ बैठे हैं, गेट पे बैठे हैं, गजब है भाई, एक से एक लोग मिलेंगे आपको ट्रेन में भाई, ऐसे देखिए कहाँ बैठे हैं, लाइट है ऊपर, समझिए कुछ हो गया तो वही जानेंगे। और बाकी ट्रेन भाई सैयद सड़ावा कोई स्टेशन है उसे स्किप कर रही है फिलहाल। तो दोस्तों अभी हमारी ट्रेन भाई स्किप करेगी प्रयागराज जंक्शन को, और अराइव कर चुकी है प्रयागराज जंक्शन दोस्तों, और स्किप करेगी इसको, यहाँ पे इसका स्टॉपेज नहीं है भाई। प्रयागराज से निकल गई हमारी विक्रमशिला दोस्तों, अब कुछ ही समय में आने वाली है भाई यमुना नदी। तो दोस्तों भाई अभी हमारी विक्रमशिला यमुना नदी को क्रॉस कर रही है दोस्तों, जो कि प्रयागराज में भाई मिलती है गंगा जमुना सरस्वती, यहीं पे मिलती है दोस्तों, देख रहे हो भाई फुल स्पीड में है हमारी विक्रमशिला एक्सप्रेस।
क्रॉस कर गई भाई यमुना नदी को, और काफी ज्यादा स्पीड में भाई। और अभी नैनी जंक्शन आने वाली है कुछ समय में। दोस्तों समय हो रहा 10:57 और भाई अभी हमारी ट्रेन क्रॉस कर रही है नैनी जंक्शन को, और अभी 1 घंटा और लगेंगे भाई पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन आने में। तब तक स्किप कर रही है नैनी जंक्शन को भाई, नैनी जंक्शन। बाकी दोस्तों इनको देखिए कहाँ बैठे हुए, कहाँ बैठे चचा, मतलब कि ऐसे बिहार चलना है। देखिए और बाकी देखिए लोग सो रहे हैं कैसे। मोदी जी वंदे भारत निकाल रहे हैं, कुछ कहिए वंदे भारत निकालने से होगा, ऐसे लोग जा रहे हैं दिल्ली से बिहार। मोदी जी थोड़ा ध्यान दे दीजिए, वंदे भारत निकालने से नहीं ना होगा, गरीबों के लिए भी आपको सोचना पड़ेगा। कैसे कैसे लोग जा रहे हैं देखिए, बाथरूम में भी 2-3-4 लोग हैं, उधर एक सो रहे हैं और बाकी उधर हैं, और इधर का भीड़ देखिए। और ये भाई साहब को देखिए, और अंदर ही भाई काफी ज्यादा भीड़ है अंदर। मोदी जी ध्यान दीजिए गरीबों के बारे में भाई, सोचिए अभी तो अमृत भारत निकाले, केवल 2 ही निकला है, अभी और निकालने की आपको जरूरत है। पटना से लेकर जो दिल्ली वाले रूट है उस पे भाई निकालिए, क्योंकि ज्यादा भीड़ इसी रूट में आती है। दरभंगा से आपने आनंद विहार तक निकाला, उसमें ना भीड़ ना कुछ जाती है भाई, इसमें चाहिए कम से कम 10 अमृत भारत, तभी ये भीड़ उसमें जाएगी और नॉर्मल होगी भाई। तो आप ध्यान दीजिए थोड़ा मोदी जी, बाकी तो ठीक ही है। दोस्तों 774 किलोमीटर भाई कवर करने के बाद हमारी विक्रमशिला एक्सप्रेस पहुंच चुकी है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, और भाई ट्रेन यहां पे अपनी निर्धारित समय से 2 घंटे दोस्तों लेट आई है। और भाई मैं तो बता दूं, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन का स्टेशन कोड DDU, और भाई ये ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे जोन में आती है। और डिवीज़न की बात की जाए तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय खुद ही एक डिवीज़न है दोस्तों। और बाकी देख सकते हो यहाँ पे हमारी महाबोधि एक्सप्रेस भाई, जो कि गया से नई दिल्ली जाती है, वो भाई मुगलसराय में खड़ी है। कानपुर से तो ये पहले निकली थी, लेकिन अभी तक यहीं पे खड़ी है। और बाकी प्लेटफॉर्म नंबर पता नहीं चल रहा, क्योंकि काफ़ी पीछे हमारी ट्रेन आके लगा दी गई है, देख रहे हो दोस्तों। और बाकी यहाँ पे जो खाने पीने के सामान है भाई, आप ले सकते हो, फल फूल वगैरह यहाँ पे मिल रहे हैं। और भाई ट्रेन में इतनी ज़्यादा भीड़ है कि मतलब कि कानपुर से खड़े खड़े ही हम लोग आ रहे हैं भाई, सीट नहीं मिला अभी तक। और बाकी देख रहे हो अंदर कोच का हाल, मैं आपको दिखा देता हूँ क्या हाल है कोच का। देखिए दोस्तों कैसे लोग बैठे हुए हैं भाई यहाँ पे, कर लिया देखिए देखिए सीट नहीं है पूरा यहाँ पे, देख रहे ना पूरा एक भी सीट नहीं है। बाकी भाई ट्रेन खुल चुकी है, अब चलते हैं अंदर भाई। दोस्तों डिपार्ट कर गई भाई हमारी विक्रमशिला एक्सप्रेस, देख सकते हो भाई, भाई साहब यहाँ पे लटके हुए हैं, कैसा लग रहा दोस्त? अरे भाई डर लग रहा है, पुलिस मार देगा। अरे नहीं मारेगा नहीं मारेगा, हम है ना। अरे जो ट्रेन रोक दे भाई, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आई थी दोस्तों। अरे RPF आ रहा है, RPF आ रहा है, देखिए देखिए भाई लापरवाही लापरवाही, देखिए लापरवाही का नतीजा देखिए, यहाँ पे चल रहे हैं, चल जाएंगे हमारे रहे ना, चलती ट्रेन है भाई, कभी नहीं चढ़ना चाहिए। भाई अंदर तो घुसो यार, इसको रुक जा रुक जा भाई। अरे भाई आप तो अंदर जाओ भाई, उधर से 3-4 बंदे के लिए खाली होगा आगे, जाएगा कैसे न जाने ना देगा भाई अंदर। अरे भाई 1:45 अब पटना कब पहुंचाएगी वो तो समय ही बताएगा, देख रहे हो ना। और वहाँ पे हमारी महाबोधि एक्सप्रेस लगी हुई है भाई, इससे पहले निकली थी लेकिन अभी तक यहीं करी है, वो गया वाले रूट में जाती है यहाँ से। ए,
और भाई भाई की ट्रेन का हाल देखिए। अरे जाओ ए, अंदर जाओ अंदर जाओ। एज कोई ना है यार।